is vicariously liable in terms of Section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो ये भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके